कृष्ण को ही याद करती थी। कभी कभी बैठी ये भी सोचती थी कि हम भी ऐसा कभी बन सकते हैं कृष्ण जैसा, तो ये इन्होंने क्या कर्म किए होंगे जो ये इतने पूजनीय बने। ऐसे ऐसे प्रकार के कई बार मन में विचार आते थे। तो एक कुछ समय ज्ञान में आने से पहले मेरे को तकरीबन रोज ही, मैं जैसे वैष्णो देवी है ना जम्मू में, तो इस रोज ही स्वप्न में मैं वैष्णो देवी हूँ। तो सुबह मेरे जब मैं उठती थी तो मेरे को पूरी ऐसी फीलिंग होती थी जैसे मैं वहाँ से ही आई हूँ, वैष्णो देवी से। तो ऐसे चल रही थी ज्ञान में, मैं कभी कभी मम्मी जाते थे ज्ञान में, कभी कभी जाया करती थी, पर इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, जाया करती थी। तो फिर कुछ समय के बाद मातेश्वरी मम्मा अपने बटाला आश्रम में आए, तब मैं वहाँ जाया करती थी मम्मी के साथ। तो मम्मा से मेरे को बहुत अट्रैक्शन हुई और मम्मा से मिली, तो फिर मम्मा, मेरी माँ ने मम्मा से मिलाया, बातचीत की। फिर मम्मा ने कहा बच्ची कैसा जीवन बनाना चाहती हो, कैसे। मेरे को मम्मा से फिर मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिली ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने का। फिर मम्मा, मैं आश्रम में ही उसी समय रहना शुरू किया। तो मम्मा ने, आठ हम बहने थी वहाँ आश्रम, तो मम्मा ने ललकार की देखो कहीं कहीं एक एक बहन रहती है, कहीं कहीं देखो आठ आठ बैठी है, बाहर निकलो सेवा में जाओ, ऐसे ऐसे मम्मा ने ललकार की। तभी मैंने हाथ खड़ा किया कि मैं सेवा में जाऊंगी, तब मैं नहीं नहीं थी। तो फिर मेरे को मम्मा ने कहा ठीक है, दो बहनों ने हाथ खड़ा किया। तो फिर कुछ समय के बाद मम्मा का पत्र आया कि दो कन्या को दिल्ली में भेजो। तब फिर मैं चली गई फिर वहाँ पर, साल दो साल मैं दिल्ली में रही। तो वहाँ से फिर मैं बाबा को मिलने गई। तो जब भी बाबा को मैं मिलती थी, बाबा के पास जाती थी, तो सबसे फर्स्ट मेरे को, जैसे मैं कृष्ण के अंदर भावना रखती थी, तो मेरे को कृष्ण के, बाबा ही कृष्ण जैसा छोटा बच्चा होता है ना, ऐसा मेरे को बाबा से साक्षात। उसके बाद मेरे को जैसे नारायण का साक्षात्कार हुआ बाबा से। तो जब भी मैं बाबा को देखा तो सबसे पहले मेरे को बाबा से ये बहुत फीलिंग आती थी जैसे बाबा का बड़ा रूप होते हुए भी, तो जैसे कुछ छोटा बच्चा होता है। तो बाबा से मेरे को बहुत ही अट्रैक्शन जो थी छोटे बच्चे की होती, जैसे बाबा भी कई बार कहते हैं ना कि मैं, मतलब बाबा के अंदर आता है वाणी में कि मैं जैसे अपने को मिचनू समझता हूँ छोटा, तो वो मेरे को इतनी फीलिंग होती थी, मैं इतना रोती थी। तो बाबा के लिए बहुत ही मन में अट्रैक्शन। फिर मेरे को बाबा ने कुछ समय के लिए वहाँ दिल्ली से जब मैं गई, बाबा ने मेरे को अपने पास रखा, बच्चे आप कुछ समय यहाँ ही रहो, चंद्रमणि दादी आने वाली है, आपको जहाँ भी वो कहेगी मैं वहाँ भेजूँगा। फिर वैसे बाबा के पास दो मास मैं वहाँ रही, भोजन बनाती हुई बाबा का। तो फिर कई बारी जैसे बाबा के साथ खेलना भी, फिर बाबा कैसे वो लच्छू दादी भोजन, मैं सब्जी बनाती थी तो लच्छू दादी फिर कैसे वो अंगीठी में कोले पर भोजन पकता था तब, तो वहाँ बाबा को ताज़ा भोजन बना करके खिलाते थे। और जब बाबा भोजन भी हमारे सामने खाते थे, कभी गिट्टी देते थे कभी कुछ, तो बस बाबा से मेरे को कभी भी बड़े रूप की फीलिंग नहीं आती थी, जैसे एक छोटा बच्चा बैठा था। तो उस समय तो बाबा, जब 1964 में मैं ज्ञान में चली, तभी तो बाबा के बच्चे भी बहुत कम थे, तो पांडव भवन में रहते थे हम। तो और मनमोहनी दीदी और मैं, जैसे आमने सामने हमारी बेड होता था, तो एक बार बाहर झूले में झूल रहे थे, तो मेरे को वो जो गुड़गांव की माता थी बुजुर्ग जैसे, तो
तो वो गीत गा रही थी, झूला झूलो नहीं सही हो चुकी झूला बाहर का, अब युगो पीछे दिन बाहर। मेरे को इतना इतना रोना आया, इतना मैं अंदर कमरे में जा करके बैठ गई। तो दीदी आए, दीदी कहते क्या किसी ने कुछ बोला? मैंने कहा नहीं। क्या तूने झूला झूला बाबा के साथ? मैंने कहा नहीं। कहते फिर क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने कहा बस ऐसे बाबा से हो रहा था। तभी फिर दीदी ने मेरे को बाबा उठा करके पकड़ के ले गए, कहते कि चलो फिर मैं बताती तेरे को बाबा के पास। फिर बाबा के पास मैंने झूला झूलती रही कई समय। फिर उसके बाद बाबा ने बहुत प्यार किया, बाबा ऐसे प्रेरणा देते रहते थे मुझे। कभी बाबा ने कुछ बोलना मेरे को कि बच्ची आप बहुत आगे बढ़ोगी, बाबा की सच्ची बच्ची है, बच्ची के मन में कोई हेर फेर नहीं है, बहुत साफ दिल। इसी प्रकार से जब जाना बाबा के आगे वरदान देना। फिर उन दिनों में आपको भी पता होगा कि छोटा सा दायरे में हम रहते थे उस समय पांडव भवन में। तब शाम को रात्रि को मैं वो सिंगरी कोले निकाल करके ना सारे कमरे में धूप भी ले करके जाते थे, ये सेवा सारे कमरे में करते थे। एक बहन मेरे साथ और भी थी। तो फिर बाबा मेरे को बहुत, जब हम बाबा के कमरे में भी जाते थे, बाबा ने कभी तो लिख लाना, बड़े पर प्यार करना, बोलना कि बच्ची वो सेवा करती हो आप। बाबा ने बड़े प्यार से ऐसे बोलते रहते थे। और बाबा से मैं बहुत नज़दीकी से मतलब रही, बहुत मेरे को हर टाइम बाबा से साक्षात्कार को हो जा फीलिंग को हो, कभी भी बड़े रूप की फीलिंग नहीं आई। जैसे छोटा एक, जैसे बाबा के जो अंदर के विचार थे ना, वो मेरे को ऐसे छोटे बच्चे की ही फीलिंग जैसे आती थी। तो फिर उसके बाद चंद्रमणि दादी का भी टाइम आया, फिर बाबा ने मेरे को शुक्ला सुंदर दिल्ली में माफी बाबा ने। फिर उसके बाद मैं कुछ समय साल दो साल वहाँ रही थी, बाबा के पास मिलती रही। लेकिन जब बाबा के अव्यक्त हुए बाबा, तभी हमारी माँ से छोटी बड़ी बहन तो सुन करके आ गई, लेकिन मेरे ऊपर सारी जिम्मेवारी वहीं, जो भी कोई आए कोई शब्द बोले बोलना पे, चलो ड्रामा में ऐसा कोई के सर जाए ड्रामा, कोई के मेरी कमर टूट गई, तो जब ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे मेरे को, पर बाबा ने शक्ति भी दे रखी थी क्योंकि मैं अकेली थी, तो पर मैं सामना करती रही सबको चुपचाप शांति से। फिर जब बड़ी बहन शाम को अमृतसर से आई, तब मेरे को फिर बहुत ही आंसू आए, मैं बहुत ही मन में मतलब बाबा का प्यार लिया हुआ था। तो ऐसे बाबा के साथ मेरा बहुत नज़दीकी जैसे रहा, क्योंकि मैं दो मास बाबा के रही। बाबा कभी बोलता था बच्चे तेरे को मैंने कलकत्ता भेज दूंगा, कभी देहरादून बच्ची प्रेम बहन के पास, फिर बोलना चलो ठीक है जैसे चंद्रमणि दादी बोलेगी मैं वहीं भेजूंगा। फिर ऐसे मेरा फिर मतलब बाबा के साथ रही। फिर बाबा उसके बाद उर्दू में मेरे को दादी ने भेजा। मेरे को बस बाबा से ये बहुत फीलिंग रहती थी, बस बाबा से जब भी बाबा के मैं आगे जाती थी, बस बाबा, मैं अनुभव भी नहीं सुना सकती किसी को, इतना मेरा दिल बाबा के स्नेह में डूब जाता है कि मैं बोल ही नहीं सकती। आज पता नहीं इतना भी कैसे मैं बोल पाई नहीं तो सच्ची मैं किसी को अनुभव नहीं सुना सकती अपना। बहुत बाबा ने मेरे को प्यार दिया है, अटूट प्यार दिया। मैं जब भी बाबा के सामने जाती थी, बहुत ही बाबा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे।